पब्लिक फाइनली ये जो मेरी राइड थी ये हो गई। एंड यस यहाँ पे जितने भी है ना राइडर्स है इसके जो टाइमिंग है मॉर्निंग के 8 AM से लेके शाम के 8 PM तक। So public, ये है the view from the top, the Deer Fort, the built by Portuguese. Hey public, it's Bobby, the good boy from the Bambina. Again with this new vlog, I will go to Machawa Mate. By the way, ये जो बोर्ड देखा आई एम राइट नाउ एट सोमनाथ महादेव की नगरी में। एंड यस सोमनाथ मैं कल ही आया था जो मेरा Day 3 था और आज जो है वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ Day 4। Day 4 मैं जो जा रहा हूँ दीव जा रहा हूँ। दीव आपने जो देखा रहेगा बोर्ड पे 90 किलोमीटर अवे है सोमनाथ से। एक्चुअली हम लोग का है ना टोटल 4 to 5 डेज का ट्रिप था। 4 डे है ना हम लोग के जो जो प्लान किए थे ना कि हम ये प्लेसेस जाना है देवता के दर्शन करने, हम लोग ने वो सब कर लिए। तभी एक दिन हम लोग का फ्री बचा तो आज तो चाहिए फुल एंड एंजॉयमेंट के लिए जो है दीव। अभी मैं कार का बैठा हूँ, मॉर्निंग में टाइम हो रहा है 9 AM और अभी ब्रेकफास्ट में कर लिया हूँ। और आज जो Day 4 है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स है, म्यूजियम है, एज वेल एज बीचेस है दीव, जो आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पब्लिक, हम लोग की जो वैन है वो आ गई है। अभी जो हमें निकलना है डायरेक्ट दीव के लिए और दीव एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेट्स गो टू दीव। सो पब्लिक अभी जो टाइम हो रहा है वो है 1 PM और हमें ट्रैवलिंग में ही 2.5 hours हो गए दीव यूनियन टेरिटरी में। हम लोग जो फर्स्ट प्लेस विजिट कर रहे हैं वो है दीव फोर्ट। और दीव फोर्ट सी का जो व्यू दिख रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। पब्लिक अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो टॉप है जो पोर्टुगीज के टाइम से है। सो अभी मैं आपको टॉप दिखा दूँ, दिस वन, ये टॉप है यहाँ पे। और ये जो पोर्टुगीज जो फोर्ट है ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ है AD century 1535 से लेकर 1540 तक। और अभी मैं जो लेके जा रहा हूँ आपको वो है मैं फोर्ट के टॉप पे। लेट्स गो टॉप। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So public, ye hai the view from the top. The Deer Fort, the built by Portuguese. You can see it public behind. Puri sea, ocean. What a view, yaar. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate. मैं फोर्ट एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे म्यूजिक का वॉइस आया, कोई सॉन्ग सिंग कर रहा है, मतलब जो वॉइस है बहुत प्यारा है। आई होप आपको भी सुनाई देता वो वॉइस। चलो वहां जाते क्या बात बस कल परसों
लंबी जुदाई पब्लिक, जहाँ पे भी टैलेंट रहेगा वहाँ पे अपने आप उनको जो चाहिए रहेगा मंजिल रहेगी, उन लोग की वो पहुँच जाएगी। देखो ना हार्ड वर्क एंड यस, ये मैं फोर्ट मैन अंदर दो तीन प्लेसेस घूमा बट पूरा उन लोग की हिस्ट्रीज का ही दिया है और हर जगह टोप एंड टोपी है एंड नथिंग एल्स। सो अभी ये फोर्ट से मैं हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, जो सेकंड प्लेस पे जा रहे हैं आई हैव नो आइडिया, तो लेट्स सी अब सेकंड प्लेस कौन सी है। पब्लिक मैं सेकंड प्लेस पे आ गया, सेकंड भी नहीं बोल सकता मैं, ये मेरी फोर्थ प्लेस है। इसके पहले हम लोग चर्च गए, चर्च के बाद म्यूजियम, चर्च पे तो शूटिंग अलाउड नहीं रहता है सो मैंने सिनेमैटिक सीन्स लिए। एंड यस, जो म्यूजियम था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था सो वहाँ पे वो बंद था। सो अभी जो फोर्थ प्लेस है दीव में जो विजिट कर रहे हैं वो है जलंधर बीच। सो यहाँ के जो व्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेट्स गो पब्लिक। हर कोई बोलता है कि दीव में सिर्फ हम लोग इंजॉयमेंट करने जा सकते हैं पार्टी एंड ऑल दैट स्टफ के लिए, बट नो पब्लिक, यहाँ पे एक प्लेस है गंगेश्वर करके जहाँ पे आपको मैं सामने अभी दिखा रहा हूँ, वो दिखना। ये जो देख रहे हैं ये जो पानी है ओशन का वो डायरेक्ट है ना यहाँ से, कभी हाई टाइड रहता है सब रहता है, शिवलिंग पे आके अपने आप आ जाता है, अभिषेक होता है मतलब। पब्लिक फाइनली अपना दीव का फेमस बीच नागोवा बीच, और मेरे बैड लक देखो है पब्लिक, मैं नागोवा बीच आया हूँ यहाँ पे शूट करने के लिए कवर अप। मॉर्निंग से हम लोग निकले हैं 8 AM से, बट सीन इज लाइक मेरे जो मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है और उसके फ़ोन में मेरा जो चार्ज है वो है 15% और मेरा तो फ़ोन डेड ही हो गया है। सो अभी ये जो सीन रहेगा नागोवा बीच का, मैं छोटे छोटे सीन्स बताऊँगा, यहाँ पे सर्फिंग का भी है, बोटिंग का भी है, एज वेल एज बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या बता पाऊंगा है नो आइडिया, लेट्स सी अभी क्या होगा। और जेटस्की में ना जो ऐसा बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे जेटस्की के जो प्राइस है 300 है। तो चलिए अभी जेटस्की के राइड में जाते हैं। बोट राइड करोगे सर? Finally, that's the first time.
मैंने ये राइड किया था और इट वॉज दैट जो मजा है ना, जो वाइब था, जो सी और ओशन का जो मुझे देखने मिल रहा था, इट वॉज अ पीस यार, मजा ही आ गया यार। ये यहाँ पे दीव आओ तो आप यहाँ पे जरूर बैठना जेट स्की में, और अभी आगे छोटे छोटे सीन रहेगी। लेट्स गो पब्लिक। पब्लिक फाइनली ये जो मेरी राइड थी ये हो गई। एंड यस यहाँ पे जितने भी है ना राइडर्स है, इसके जो टाइमिंग है मॉर्निंग के 8 AM से लेके शाम के 8 PM तक। पब्लिक अभी ये जो ब्लॉग है दीव का डे 5 मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि जो मेरी गुजरात की न्यू सीरीज का ब्लॉग था आपको अच्छा लगा, और यहाँ पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे 10K सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने। मेरे दीव में मैं मेरा जितना बैट दे सकता था मैंने वो चीज़ सब कवर अप किया और आपको दिखाया है। पब्लिक आई एम एंडिंग माई दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच पब्लिक वॉचिंग माई न्यू व्लॉग। आता कुना शेयर बनता है सब्सक्राइब करना माझे चैनल, तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, अरे लाइक करो, बेल क्लिक करो, क्लिक बट डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो।